मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं रिजेक्ट करेगा. नहीं, मैं उनको कभी नहीं मिली हूँ, बट आई रियली यूज टू एडमायर हर. बहुत पहले जब पवित्र रिश्ता आता था तब काफी हिट गया था उनका शो, एंड शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस ऑफकोर्स. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू विशाल, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड, बहुत बढ़िया. ये जो डिसीजन लेने के बाद कैसा लग रहा है अंदर से? अच्छा लग रहा है यार. आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड थोड़ी थोड़ी नर्वस हूँ, बट यार इट्स गोइंग टू बी अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर माय लाइफ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड एक पहले ही कहना चाहूँगा, जो लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जिसका पहले भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, लास्ट टाइम प्रियंका का लिया था मैंने इंटरव्यू, लास्ट या इस साल आपका ले रहा हूँ, वो फाइनल तक जाता ही है. अरे भाई, आपके मुंह में. एंड सबसे बड़ी बात, ये जो कैमरा के पीछे जो है वो कैमरा पर्सन रहता तो जाता ही है. तुषार कालिया हो गया, दिस कैमरा पर्सन तुषार कालिया हो गया, फिर प्रियंका हो गई, एंड नाउ यू. चलो यार, आई होप सो. आई थिंक यू गो टू द फाइनल. थैंक यू. एंड टेल अस समथिंग, ये जो डिसीजन, जब लास्ट ईयर भी ऑफर आया था तब आपने रिजेक्ट किया था, इस साल आपने ऑफर एक्सेप्ट किया. यार बेसिकली उसको ना मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं रिजेक्ट करेगा. आई वॉज बेसिकली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब मैं उसका ब्लेम भी खुद के ऊपर ही डालूंगी कि मैं ही प्रिपेयर्ड नहीं थी. आई वॉन्टेड टू गो, पर मुझे ऐसा लग रहा था मुझे शायद अपने लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, या आई शुड स्पेंड सम मोर टाइम विथ माई सेल्फ सो दैट मैं थोड़ा और पॉलिश हो जाऊँ ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, और अकेले इतना सब करना यू नो मेरे लिए बहुत नया है. तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर उडारिया भी चल ही रहा था. सो आई थॉट कि यार जो मेरा डेब्यू शो है और मैं डेफिनेटली उसको पहली प्रायोरिटी दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा रनिंग शो था, तो दैट वाज द रीजन कि मैंने तब नहीं किया. बट एज सून एज आई गॉट फ्री फ्रॉम उडारिया तब तो मैंने सोचा यार अब तो डिले करने की कोई बात ही नहीं है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग. एंड हाउ डू यू सी रियलिटी शो लाइक बिग बॉस? यार बिग बॉस ना मेजरली, मतलब सबके अपने एक अलग अलग गोल्स होते हैं कि बिग बॉस में क्यों जा रहे हैं, सबका एक अपना अलग प्रस्पेक्टिव होता है. मेजरली मेरा ये है कि अभी तक ना लोगों ने मुझे नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है इन द शो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडस्ट्री से हटके हैं, जो शो देखते हैं, जो ऑडियंस है बेसिकली, उनको ना ये बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन समबडीज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो उनको ये डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है. सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि यार हमको देखना है कि इसका रियल पर्सनैलिटी क्या होगा. कुछ कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये ऐसी ही है शायद, तो वो है कि मैं वहाँ जाके दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसी हूँ. फाइनली लोग देखेंगे कि 24/7 मैं कैसे रहती हूँ, खाना पीना उठना सोना मस्ती रोना गुस्सा एवरीथिंग. सो या आई जस्ट वॉन्ट टू शो ईशाज शेड्स. राइट, लास्ट दो बिग बॉस की मैं बात करूँ, बिग बॉस OTT या फिर बिग बॉस MC Stan या एलविश यादव, अगर ये दोनों की बात करूँ, दे हैव द ग्रेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया फैंस. हाउ डू यू सी, आप एक बार घर के अंदर जाओगे उसके बाद एक मेजर रोल प्ले करेगा आपका सोशल मीडिया, आप रेडी हो उस तरह, प्रिपरेशन है आपकी? यार डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फैंडम है तो आप डेफिनेटली आगे तक जा सकते हो. बट मेरा ना ऐसे कुछ बहुत रश नहीं है मुझे फैंस को लेके कि अरे मेरे पास फैंस होने ही होने चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, लोग मुझे जाने, उसके बाद लोग मुझे पसंद करें. लगना भी तो चाहिए ना कि अच्छा ओके अभी हम देख रहे हैं कि ये कैसी है, ओके सो नाउ वी आर गेटिंग टू नो ईशा, अब हमें पसंद आ रही है, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरे लिए वो एक अचीवमेंट रहेगा कि यार फाइनली लोग मुझे जान के मुझे पसंद करें, रादर देन जस्ट वॉचिंग माई सोशल मीडिया और वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना ले कि नहीं शायद ये ऐसी होगी या वैसी होगी. किसी को जानो, फिर आप अपना जजमेंट दो, पसंद करो, तो मैं उस चीज के लिए ओके हूँ. और कितने नाम आपने देखे, कोई रहता है सोशल मीडिया में एक एक नाम आते रहते हैं बाहर, आपने कोई नाम देखे अब तक किसके किसके बारे में? यार ऑनेस्टली मुझे इन सब के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा, और कुछ कुछ न्यूज आती भी है बट आई डोंट ट्रस्ट दोज न्यूज एंड एवरीथिंग, और आर्टिकल्स पे भी मैं इतना विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि ऑनेस्टली हमें पता नहीं है कि और कौन कौन फाइनलाइज हुआ है क्या हुआ है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीबडी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि जैसे मैं एक गोल के साथ जा रही हूँ वैसे बाकी सब भी गोल के साथ. सबसे बड़ा नाम अंकिता लोखंडे का आ रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कन्फर्म है अंकिता लोखंडे. तो क्या लगता है, आपने कभी मुलाकात हुई अंकिता लोखंडे से, कभी आपकी फ्रेंडशिप? नहीं, मैं उनको कभी नहीं मिली हूँ, बट आई रियली यूज टू एडमायर हर. बहुत पहले जब पवित्र रिश्ता आता था तब काफ़ी हिट गया था उनका शो, एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस ऑफकोर्स, और इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी जानती नहीं हूँ उनके बारे में, तो आई कॉन्ट रियली गिव माई ओपिनियन. बट देखते हैं अंदर जाके अगर वो आती है तो क्या बॉन्ड बनता है मेरा उनसे, कैसे हम लोग खेलते हैं. सो